तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अपन सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे बनाया जाए। तो सेंटिमेंट एनालिसिस हम एक डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच होता है, उसके हिसाब से अपन बनाया बनाएंगे। तो मैं केगल का ये लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसमें जाके लॉग इन कर लेना और इस इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके मैं डाउनलोड कर लिया है, इसको ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं दोनों को कॉपी करके एक नया फोल्डर बना देता हूँ डेस्कटॉप पे, वहीं हम काम करेंगे। न्यू फोल्डर पाइथन वाईटी, ठीक है ना। इसको खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब मैं यहाँ पर एक अपनी पाइथन की फाइल बनाऊंगा, तो पाइथन की फाइल बनाने के लिए मैं अपने इसमें पावर शेल खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक vim sentiment.py बना लेता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ करने नहीं है। अपन को लॉजिक समझ लो, लॉजिक के अंदर अपन क्या करेंगे, नेगेटिव जो वर्ड्स हैं उन नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी स्कोर दे देंगे -1। उनके नेगेटिव वर्ड्स के जो स्कोर है ये, इनको दे देंगे -1, और इनके पॉजिटिव वर्ड्स को दे देंगे हम +1। तो जैसे किसी किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वर्ड आता है तो वो +1 हो जाएगा, और नेगेटिव आता है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब फिर अपन उस पूरे सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स को कैलकुलेट करेंगे कि नेगेटिव है, अगर टोटल मिला के जो सम आया अगर वो नेगेटिव आता है तो वो बैड सेंटिमेंट बैड होगा, और अगर अच्छा है तो वो गुड होगा, और अगर 0 आता है तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे और अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नेगेटिव वर्ड्स के अंदर अपन रीड करेंगे, तो ये ऊपर का टेक्स्ट हटा देता हूँ, और अपन के पास ये फेस्ड फेसेस, ठीक है, ये हटा देता हूँ। इसको सेव कर लिया नेगेटिव वर्ड्स को, और अब पॉजिटिव वर्ड्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स में से भी सेम ऐप हटा देना, वो A+ ले लेते हैं। A+ ग्रेड हो सकती है ना, तो इस वजह से अच्छी चीज़ के लिए रख रखा मैंने, ठीक है। तो अपन ने दोनों वर्ड्स को हटा दिया है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज़र से मांगेंगे कि आप अपना सेंटेंस डालो। इनपुट एंटर योर सेंटेंस टू विच यू वांट टू एनालाइज द सेंटिमेंट, ठीक है। यहाँ पर वो अपना सेंटिमेंट का वो डाल देगा कि क्या सेंटेंस है उसके पास। इसको इंट नहीं, सॉरी, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब एन के अंदर, एन की जगह एन के अंदर अपने पास पूरा वो सेंटेंस, इसको मैं थोड़ा वैसे कर लेता हूँ, सेंटेंस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी अपने जो भी उसने सेंटेंस लिखा होगा। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन इस वीडियो के अंदर कोई लाइब्रेरीज वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन नेगेटिव वर्ड्स वाली फाइल और पॉजिटिव वर्ड्स वाली फाइल को रीड करेगी और अपनी डिक्शनरी बनाएगी। तो एक अपन बना लेते हैं नेगेटिव डिक्शनरी, एक अपन बना लेते हैं पॉजिटिव डिक्शनरी। ये दो डिक्शनरी अपन की बन गई। उसके बाद अपन को क्या करना है, पहले सबसे पहले रीड करते हैं नेगेटिव वाली डिक्शनरी को बनाते हैं, ठीक है। तो उस फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने पाइथन के अंदर। अपन को इसकी पूरे रीड करना पड़ेगा ना कंटेंट, तो अपन इसको ओपन कर लेते हैं। डेटा के अंदर अपन fp.read डाल लेते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, मेरे को नेगेटिव डिक्शनरी के अंदर जो डेटा है वो डालना है। तो अगर मैं डेटा प्रिंट कराऊंगा ना तो वो एक-एक लाइन में दिखेगा, और जो एंटर करा हुआ है ना ये स्लैश एंड से सेपरेटेड होगा। जो नेक्स्ट लाइन है ना, जैसे एबनॉर्मल के बाद एबोलिश से पहले ये जो गैप है ना ये स्लैश एंड से डिनोट होता है कोडिंग के उसमें, ये जो गैप है ये वाला बीच में,
ठीक है, तो ये अपन स्लैश एन से डिनोट होता है, तो अपन इसको स्प्लिट कर लेंगे ताकि अपनी वर्ड्स की वर्ड आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव वर्ड्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट बाय स्लैश एन। ये अपन ने नेगेटिव वर्ड्स के अंदर स्टोर करा लिया। ये अपनी एक लिस्ट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और लिस्ट के अंदर एक 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 वर्ड होगा अपना। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये नेगेटिव वर्ड्स का भी ले लिया अपन ने। उसके बाद अपन को करना है डिक्शनरी बनानी है, नेगेटिव डिक्शनरी। तो जो भी वर्ड अपने पास नेगेटिव वर्ड्स के अंदर आएगा उसको अपन को डिक्शनरी में डालना होगा। ठीक है, तो मैं फॉर आई इन वर्ड्स डिक्शनरी ऑफ आई इक्वल्स टू अपन -1, ये -1 जो मैं स्कोर कह रहा था ना, ये स्कोर अपन डाल देंगे। ठीक है, सेम काम जो है अपन पॉजिटिव के लिए करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है। पॉजिटिव वर्ड्स डॉट टी एक्स टी डेटा ले लिया है, और इसको नेगेटिव वर्ड्स की जगह मैं पॉजिटिव वर्ड्स बना देता हूँ। अच्छा, और ये डिक्शनरी मेरी नेगेटिव डिक्शनरी है। ठीक है, और इसके अंदर मैं पॉजिटिव वर्ड्स बना देता हूँ, और इसके अंदर पॉजिटिव डिक्शनरी, और इसका स्कोर अपन कर देते हैं 1। बस हो, ये अपन ने डेटा रीड कर लिया, अपनी जो फाइल है उस फाइल के अंदर अपने डेटा रीड कर लिया है। और रीड करने के बाद अपने पास दो डिक्शनरी आ जाएगी, एक पॉजिटिव डिक्शनरी और एक नेगेटिव डिक्शनरी। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे फॉर इसके अंदर अब अपने जो सेंटेंस आया है उसके अंदर अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस आया है उसको पहले मैं वर्ड्स के अंदर तोड़ लेता हूँ। वर्ड्स इज इक्वल्स टू सेंटेंस, अब वर्ड्स के अंदर वो देखो जो बंदा होगा आगे सेंटेंस क्या करेगा, स्पेस सेपरेटेड डालेगा वर्ड्स के अंदर। जो सेंटेंस होगा वो स्पेस सेपरेटेड होता है वर्ड्स में। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, स्पेस से ही अपन को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मैं सेंटेंस डॉट स्प्लिट स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब वर्ड्स के अंदर अपने पास क्या आ जाएगी, उसके सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हुए यूज हुए उसकी सारी लिस्ट वर्ड्स के अंदर स्टोर हो जाएगी अपने पास। ठीक है, अब वर्ड्स के अंदर स्टोर हो गई, अब अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अपनी कौन सी डिक्शनरी में है भी है या नहीं है। ठीक है, और आई वर्ड्स इफ इफ आई एन नेगेटिव ऑफ डिक्शनरी, अपन एक काम करते हैं कि स्कोर ले लेते हैं। ठीक है, सेंटीमेंट स्कोर कहते हैं इसको, या कुछ भी बोल दो आप, सेंटीमेंट स्कोर। ये मैंने इन डिक्शनरी नेगेटिव डिक्शनरी, अब इसके अंदर मैं अगर नेगेटिव डिक्शनरी में है तो मैं सेंटीमेंट स्कोर के अंदर प्लस कर दूंगा नेगेटिव ऑफ डिक्शनरी की जो वैल्यू है। मतलब हमेशा हर एक का स्कोर क्या दिया था अपन ने, -1। ठीक है, तो वो -1, -2, -3 इस टाइप से करेगा। एक और मैं ले लेता हूँ, एफ आई एन पॉजिटिव डिक्शनरी देन सेंटीमेंट स्कोर प्लस इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ डिक्शनरी आई। ठीक है, ये अपन ने ले लिया पॉजिटिव डिक्शनरी के लिए भी और नेगेटिव डिक्शनरी के लिए भी। ठीक है, एक ही वर्ड आएगा, जैसे मान लो कि अपन ने हाउ आर यू लिखा, हाउ आर यू, इसको इसमें सेंटेंस अपना है हाउ आर यू, तो ये सेंटेंस नॉट स्प्लिट क्या करेगा, हाउ एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, यू एक वर्ड है। तो फॉर आई इनवर्स में गया, आई में सबसे पहले हाउ गया, हाउ हाउ ये चेक करेगा क्या नेगेटिव डिक्शनरी में है, नहीं है, तो वो जाएगा पॉजिटिव डिक्शनरी में। पॉजिटिव डिक्शनरी में चेक करेगा है, नहीं है, क्या अगर नहीं हुआ तो अपन एल्स में कर देंगे। तो मैं एल एफ लगा देता हूँ कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में चले जाओ, उसके बाद इसमें चले जाओ, उसके बाद एल्स के अंदर उसको स्किप कर दे। ठीक है, समझाने के लिए लिखना है, लिख रहा हूँ मैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक बार सेंटीमेंट स्कोर चेक करेंगे, प्रिंट क्या है उस सेंटेंस का सेंटीमेंट स्कोर, द सेंटीमेंट स्कोर ऑफ गिवन सेंटेंस इज, सेंटेंस के स्कोर देखते हैं अपन क्या है, अपन के स्कोर स्टोर कराया था अपन ने सेंटीमेंट अंडरस्कोर स्कोर वेरिएबल के अंदर, ये अपना प्रिंट करा देगा स्कोर। अब बस अपन को कुछ नहीं है कि अपन को देखना है उसका बंदे का नेगेटिव एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, या न्यूट्रल एटीट्यूड था। ठीक है,
तो उसके लिए मैं करता हूँ एफ, बस यही चेक करना है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एटीट्यूड है, और पॉजिटिव है स्कोर तो पॉजिटिव एटीट्यूड, और जीरो है तो न्यूट्रल एटीट्यूड है। तो बस एक इफ, ये इफ कंडीशंस लगेंगी, बस इफ सेंटीमेंट स्कोर इज लेस देन जीरो देन प्रिंट द एटीट्यूड, या मैं सिर्फ नेगेटिव प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही सही रहेगा। एफ सेंट, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सेंटीमेंट स्कोर, सेंटीमेंट स्कोर इज ग्रेटर देन जीरो हुआ, तब तो कर दो प्रिंट भाई, पॉजिटिव कर दो भाई, कर देते पॉजिटिव। अब लास्ट कर लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं कि जीरो है, तो अपन क्या करते हैं, एल एफ एल्स प्रिंट न्यूट्रल, ठीक है, ये अपना पूरा कोड हो गया। इसको मैं रन कराता हूँ, पाइथन सेंटीमेंट डॉट पी वाई, एंटर योर सेंटेंस। अब मैं जैसे लिखता हूँ, दिस पी सी इज गुड, देखो अब सेंटीमेंट, अब इसके अंदर हुआ क्या, इसने क्या, दिस पी सी इज गुड, अब ये गुड आ रहा है ना, तो इस वजह से उसने वन दे दिया, क्योंकि अपनी डिक्शनरी में होगा, ठीक है, पॉजिटिव हुआ। अब एक और एक बार ट्राई करते हैं, दिस पी सी इज नॉट गुड, ये डेटा के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर डेटा के अंदर नॉट के अंदर माइनस वन है और गुड के अंदर प्लस वन है तो ये न्यूट्रल होगा, अगर डेटा के अंदर नॉट नहीं होगा नेगेटिव वर्ड्स के अंदर तो ये दिक्कत देगा। देखते हैं अपन, एंटर मारते हैं क्या होता है, देखो ना अपने डेटा के अंदर नॉट नहीं था, तो इस वजह से इसने सेंटेंस का जो सेंटीमेंट स्कोर है वो पॉजिटिव दिया, जो नेगेटिव वर्ड का जो है ना अपने जो डिक्शनरी, तो अपन इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड को ऐड करके, नॉट नहीं है, ठीक है नॉट नहीं है, तो अपन अब क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, ये जो सेंटीमेंट नेगेटिव वर्ड्स वाली जो लिस्ट है इसके अंदर मैं ऊपर ही एक नॉट वर्ड स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। अब ये काम जैसे मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ये काम अपन ऑटोमेट भी कर सकते हैं पाइथन के अंदर, तो डायरेक्टली अपन फाइल के अंदर जैसे अपन ने रीड किया था वैसे फाइल के अंदर अपन राइट भी कर लेंगे, तो डायरेक्टली ऑटोमेट हो जाएगा ये। पता कैसे पड़ेगा कि ये नॉट को डालना है या नहीं डालना, वो अपन वो ज़्यादातर टाइम अपन यूजर से पूछते कि ये डालना सही है, या क्या मेरा सेंटिमेंट जो हमने इसको प्रिडिक्ट किया है वो क्या सही है या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, तो उसके हिसाब से अपन कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैंने वहाँ पर डेटा में तो डाल ही दिया है, तो बस अब मैं चला देता हूँ वापस, यही सेंटेंस वापस डाल देता हूँ, दिस पीस इज नॉट गुड, तब आया ये न्यूट्रल, ठीक है, सॉरी। उसके बाद अपन चेक करते हैं, आई डोंट लाइक दिस पीसी, इसके अंदर लाइक आया और डोंट होगा नहीं, और डोंट मैं काम करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि ये कौन से वर्ड पे ये प्लस वन ले रहा है या कौन से वर्ड पे माइनस वन ले रहा है, तो वो अपन को आइडिया लग जाएगा कि क्या प्लस वन ले रहा है क्या माइनस वन ले रहा है भाई ये। प्रिंट करा देता हूँ मैं आई को, और इधर भी प्रिंट करा देता हूँ मैं आई को, और इधर प्रिंट करा देता हूँ मैं नॉट इन एनी फाइल कॉमा करके आई इन पॉजिटिव वर्ड्स फाइल इन नेगेटिव वर्ड्स फाइल, ठीक है ना। अब अपन के पास थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है, तो मैं आई डोंट लाइक दिस पीसी वापस लगाता हूँ। अब देखो नॉट इन एनी, एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, वापस चलाता हूँ, आई डोंट लाइक दिस पीसी, ठीक है। अब देखो नॉट इन एनी फाइल आई का, डोंट भी कोई सी फाइल में नहीं है, इन पॉजिटिव वर्ड्स फाइल आ गया लाइक, लाइक पॉजिटिव वर्ड फाइल में,
दिस भी किसी फाइल में नहीं है, पीसी भी किसी फाइल में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अगर आप डोंट को भी ऐड कर देंगे नेगेटिव वर्ड्स में तो अपना डोंट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन बनाते जाते हैं और ये काम करते रहता है, मशीन अपने आप ही फिर लेने लग जाती है जब अपन यूजर से डायरेक्ट इनपुट करवा लेते हैं कि हाँ भाई तुम्हें डालना ही नहीं डालता। अब जिस तरीके से अपन स्पैम एनालिसिस का केस होता है, स्पैम के अंदर भी जैसे कोई मेल आया, मेल आया, मेल आने के बाद मान लो कि वो स्पैम मेल था और वो स्पैम में नहीं गया, तो अपन क्या करते हैं कुछ यूजर्स 10 में से कोई 5 यूजर्स भी उसको पर्टिकुलर मेल को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ये स्पैम मेल है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये स्पैम मेल है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि हाँ कि ये न्यूट्रल है या क्या है, पॉजिटिव है या क्या है, ठीक है। तो बस इस, और आप कोई सेंटेंस अगर प्रिडिक्ट करना हो तो आप कोई कमेंट में डालो और आप कोई कोड में भेज दूंगा, उस कोड के चला के आप चेक कर लेना, ठीक है ना। और कोई सेंटेंस जैसे मैं ले लेता हूँ, कोई अपने पॉजिटिव देख लिया, न्यूट्रल देख लिया, कोई नेगेटिव नहीं देखा, ठीक है। नेगेटिव का देखते कोई, वाई अभी क्वेश्चन के उसमें है तो मुझे डाउट है कि वाई डिड यू अब्यूज मी, ये नेगेटिव में गया, कौन सा वर्ड फाइंड आउट किया है इसने, अब्यूज, ठीक है। एक बार वापस चलाते हैं। अब क्या कहते हैं जो होता है ना, अभी सेंटिमेंट एनालिसिस में कहाँ काम में ले सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह के या वेबसाइट वगैरह के कमेंट के रिव्यूज़ होते हैं ना, तो लाइक दिस। तो मैं जैसे मान लो कि इसी मेरी जो ये वीडियो है, ये दिस वीडियो इज बैड, तो ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अगर मैं चलाता हूँ दिस वीडियो इज अप टू द मार्क, देखते हैं कोई सेंटेंस कोई आएगा भी या न्यूट्रल आएगा। इसको किसी फाइल में ये दिस वीडियो इज अप टू द मार्क कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है। अब एक तरीका ये होता है कि ये इतनी सारे को रीड कर रहा है, होता क्या है किसी सेंटेंस के अंदर ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। अभी तो अपन ने 1 2 3 4 ये वर्ड्स लिए, कभी कभी कुछ लोग होते हैं पूरी फाइल दे देते हैं, कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी किसी भी टाइप का या कैसे भी कोई फाइल दे देते हैं, तो उसके लिए ना ये जो बेकार बेकार से जैसे दस है इज है इनका कोई मतलब नहीं रहेगा जब अपन सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। तो इनको अपन टोकनाइजेशन कहते हैं कि अपन इन चीज़ों को हटा दें, और ये सब एक तरीके के टोकन है, ठीक है। ये सब एक टोकन के टोकन है, ठीक है। अपन इसको रिमूव कर देंगे, तो मैं खोलता हूँ इसको, इसको मैं मान लेता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ टोकन टू इग्नोर, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ दिस इज या आई एम, ये टोकन वर्ड्स की जो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने हिसाब से मॉडल ट्रेन करना हो तो। और क्या डाल सकता हूँ मैं, यू योर, ठीक है। अब मैं पाइथन चलाता हूँ और मैं सेम सेंटेंस लिखता, अरे एक सेकेंड मैंने ना उसको इग्नोर लिस्ट तो बना दिया, और इसके अंदर मैं जो स्कैन कर रहा है ये सेंटेंस फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, फॉरेनर्स एफ आई एन, आई एन अपन ने क्या रखा था टोकन टू इग्नोर, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, एफ आई एन टोकन टू इग्नोर, तो अपन कर देते पास उसमें एल्स में कर देते हैं अपन, एक एक टैब दबा देते हैं, इन सबको एल्स में डाल देते हैं। चलो ठीक है, ये अपन डाल देते हैं और ये अपन अब चलाते हैं, ठीक है। वही सेंटेंस वापस लेते हैं, दिस वीडियो इज बैड कर ले देते हैं अप टू द मार्क का, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसने दस नहीं लिया, इस नहीं लिया क्योंकि ये जानता है कि ये इसका सेंटिमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
ऐसा जैसे अपन टोकन टू इग्नोर में ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी आप कमेंट कर जो करते हैं ना फाइल उसके अंदर, किसी भी मोबाइल के वेबसाइट के नीचे अपन मोबाइल के बारे में रिव्यूज़ लिखते हैं, अमेजोन के अंदर अपन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके अंदर नीचे रिव्यूज़ लिखते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर रिव्यूज़ के का अपन सेंटिमेंट निकाल सकते हैं ऐसे एक पर्टिकुलर डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच से। तो ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।